आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी अंतिम फाइनल चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के 7 चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और साथ ही बधोई, इन जगह पर चुनाव होना है। 54 सीटें हैं। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है और वहीं मऊ और गाजीपुर में उनके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। तो ऐसे में इस बार किसकी परीक्षा होगी? जिस तरह से वाराणसी संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का और इस बार सपा का गढ़ भी देखा जा रहा है और जिस तरह से जनसभाएं की गई हैं, प्रचार प्रसार किया गया है, इसका कितना असर होगा, तमाम चीजों का असर और इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। बाकी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल एस का प्रभाव माना जा रहा है। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों की 54 सीटें शामिल हैं। तो आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है। मऊ में भी अच्छी खासी पकड़ है सपा की। सहयोगी दलों का भी इस बार अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अपना दल का विभाजन हुआ है और पिछली बार ओपी राजभर भाजपा के साथ थे और इस बार अलग हो गए हैं और इन चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी पे इसका असर पड़ेगा। 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करी जाए तो इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जिसमें से बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4, सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं सपा ने 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, बसपा ने 6 सीटों पर, निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था इन सीटों की बात करी जाए तो। इन सीटों पर अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को 36 कुल सीटें मिली थी उसके गठबंधन सहयोगियों के साथ। अपना दल एस को 4 मिली थी, यानी कि जिस तरह से ओबीसी पिछड़े वर्ग के पास अच्छी खासी सीटें जाती हैं, इसको देखते हुए ही बड़ी पार्टियां, वो चाहे भाजपा हो, सपा हो, गठबंधन करती है। सपा के खाते में 11 सीटें गई थी। बसपा ने भी 6 सीटों पे बाजी मार ली थी, निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी और इन्हीं सब चीजों पे आज हम 7वें चरण का क्या माहौल होने वाला है, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। सपा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप चौधरी जी, देशबंधु दीक्षित जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अभिषेक मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहा है, 7वें चरण का अंतिम निर्णायक चुनाव अब देखने को मिलेगा 7 मार्च को, तो क्या लगता है इस बार जिस तरह से बीजेपी सपा आमने सामने है, पूरा इन्हीं दोनों के बीचों में लग रहा है, तो अभिषेक जी आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव छोटे दलों की परीक्षा तो है ही, साथ में भाजपा सपा कितनी मजबूत नजर आ रही है? नहीं, इस बार के चुनाव में एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो फाइट है लगभग पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों में सिमट करके है, वो है सपा और भाजपा जी। बाकी सारे दल कुछ 2-4-5 विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए, जहां त्रिकोणीय लड़ाई है, एक आध जगह पंजाब बसपा लड़ रही है, एक आध जगह जहां कांग्रेस थोड़ा बहुत फाइट कर रही है, अदरवाइज ओवरऑल सारी सीटों में जहां भी था हर जगह सपा और भाजपा और सपा की लड़ाई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। अब वो वोट बैंक में कितना कन्वर्ट होगा, जो अन्य दलों के वोट बैंक थे, जो बसपा का वोट बैंक है, थोड़ा बहुत जो कांग्रेस का वोट बैंक है, इसमें जो क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक, जो छोटे छोटे मतलब जो राजनीतिक पार्टी जो सहयोगी पार्टियों के तौर पर सपा और भाजपा के साथ अलग अलग लगी हैं, इनका वोट बैंक किस तरह से कितना कन्वर्जन होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए बीजेपी छोड़ के सपा में जी। राजभर जी आ गए भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में, तो ये लोग अपने समाज का वोट कितना ला करके सपा में दे पाते हैं इस पर डिपेंड करेगा और इसी आधार पर आगे का परिणाम निकल के आना चाहिए जी। सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, प्रदीप जी, तो 2017 में बीजेपी को आजमगढ़ में सिर्फ 1 ही सीट मिली थी और बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी। इस बार कितनी सीटें की उम्मीदवारी कर रही है सपा आजमगढ़ में? वो
चाहे जौनपुर हो, तमाम जिन शहरों में चुनाव है, जिलों में चुनाव है जी, आजमगढ़ी की नहीं, 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। बलिया में 7 सीटें, 7 की 7 समाजवादी जीतेगी, जौनपुर जीतेगी। जिन 54 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, 7वें चरण में जिसका प्रचार आज बंद होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। हेलो जी, किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा जी, तो भारतीय जनता पार्टी डबल अंक में रहेगी, 3 अंक की संख्या पूरी नहीं कर पाएगी। दूसरा एक करेक्शन और कर दूं शिखा जी, आपकी जानकारी के लिए जी, लगातार मैं देख रहा हूं कि भाजपा बनाम गठबंधन, भाजपा बनाम गठबंधन जी, समाजवादी पार्टी के साथ 3 छोटे दल हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों कहते हैं लोग, उसके साथ भी तो 2 छोटे दल हैं जी, संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है। लेकिन मैं लगातार जिस तरीके से देख रहा हूं मीडिया में कि भाजपा बनाम गठबंधन, अरे भाजपा अकेली नहीं है, बिल्कुल भाजपा अकेले तो पूरे देश में कहीं चुनाव ही नहीं लड़ सकती है जी। पूरे देश में 50 से ज्यादा दलों के साथ भाजपा का गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश में उसका 2 छोटे दलों के साथ गठबंधन है। लेकिन जनता ने अब नकार दिया है। पिकाजी में गोरखपुर होके आया हूं, जहां वोट पड़ चुका है जी, 9 सीटें जहां भाजपा 9 जीती थी, इस बार 6 सीट समाजवादी पार्टी स्पष्ट जीत रही है, और 3 सीटों पर बहुत संघर्ष की लड़ाई है। ऐसा कोई जनपद नहीं है भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 या 5, 4 से 5 सीट नहीं हार रही हो, पूरे 75 जिलों में जी। देशबंधु जी, जिस तरह से आजमगढ़ तारीख को जी, प्रदीप जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, तारीख को अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, और दलित वोट ज्यादा है। इसी के साथ ही अखिलेश का अजयगढ़ माना जाता है, तो बीजेपी के लिए कितनी कड़ी चुनौती मानी जा रही है आजमगढ़ में? कौन सा मैडम जी? देशबंधु जी से मैं सवाल कर रही हूँ। शिखा जी, जैसा कि आपने कहा आजमगढ़ की बात है जी, तो आप बताइए, वर्तमान में आप भी जानती हैं, पूरे मीडिया बंधु जानते हैं कि आजमगढ़ जनपद के सांसद जो हैं वो पिछले 5 साल में आजमगढ़ में कहीं नज़र तो आए नहीं अखिलेश जी, और चुनाव में हार का ही डर था कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित सीट करहल खोजी, और करहल में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और मतदान के दिन ऐसे रुझान भी व्याप्त हुए हैं। अब हमारे समाजवादी मित्र कह रहे हैं आजमगढ़ में ही चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हो या वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो, वो सब विकास के प्रतीक हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने एक बार भी, आपके सांसद ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे 5 वर्ष का अंतराल हो, कभी भी आजमगढ़ का सम्मान रहेगा। अब रही जो अंतिम चरण की 54 सीटों की बात की जी, पिछली बार भी देखिए शिखा जी आपने बताया कि लगभग 80% से ज़्यादा सीट हमने जीती है, और हमारा पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और शीर्ष नेतृत्व तो रखा है, और जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई परहेज नहीं है, 10 मार्च आने वाला है और निर्णय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे के फिर एक बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर हम एक बार भाजपा सरकार बनाएंगे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसको बनाएंगे जी। अभिषेक जी, पिछले चुनाव में राजभर का साथ था और इस बार उनकी जुदाई है, बीजेपी के लिए एक कड़ी परीक्षा का समय है, साथ ही ललकार भी रहे हैं, जिस तरह से विजय रथ को रोका जा सकता है या नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि अपना दल का भी विभाजन हो गया है, दो घेरों में बट गया है, दो हिस्से हो गए अपना दल के भी, और इस बार ओपी राजभर भी साथ नहीं है, तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं देखिए, इसीलिए ओपी राजभर जी का साथ आना और भी स्वामी प्रसाद जी का बदलना, इसीलिए एक देखिए ये जो पोजीशन है कि जो फाइट सीधे सीधे आमने सामने हो गई है, अब दूसरे दलों का रास्ता उन्होंने किनारे कर दिया है, सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा, कोई भी विधानसभा जो पिछले इलेक्शन हो चुके हैं उनमें, या जो आगे 7वें चरण का जो आखिरी इलेक्शन होने वाले हैं जिन विधानसभाओं में, उन सारे विधानसभाओं में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां आप ये कह दीजिए कि समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी टक्कर नहीं दे रही है। 2, 4, 5, 10 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर बसपा भी थोड़ी बहुत लड़ रही है, जहां पर कांग्रेस भी थोड़ा बहुत लड़ रही है, बाकी किसी दल की तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ये विभाजन इसीलिए हुआ क्योंकि छोटे दल जो और थे, छोटे छोटे दल थे, राजभर थे, इन लोगों ने भी अपना अपना
एक पार्टी बंदी कर ली, एक ग्रुपिंग कर ली है एक तरीके से। तो जो कुछ चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ और कुछ आ गए इनके साथ। अब राजभर जी अपने समाज को कितना रोक पाते हैं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो कितना समाजवादी पार्टी में दे पाते हैं। जैसे मौर्य जी थे बसपा में, उनकी जो ओरिजिन है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से, अपने समाज का बहुत बड़ा तबका उनका जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था। 2017 में वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। आज की तारीख में फिर अब वो कितना कैडर को वापस जाता है या समाजवादी पार्टी में जाता है, इसलिए क्योंकि स्वामी जी चले गए हैं, राजभर जी चले आए हैं, इन चेहरों को देख करके, या अपना दल का भी एक पार्ट इनके साथ आ चुका है। भाई वो भी तो सोनेराम पटेल का ही परिवार है, उन्हीं के लोग हैं, एक ही परिवार की दो पार्टियां बन गई हैं। तो अब जो इनके वोटर्स थे, जो परंपरागत वोट थे इनके, वो कितना उस समाजवादी पार्टी में जाते हैं या वापस बहुजन समाजवादी, जो 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 कहा जाता है कि भाई एससी एसटी और ओबीसी वोट बैंक जो बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था कभी, तो वो वापस बसपा में जा रहा है या वापस समाजवादी पार्टी में जाएगा या बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इनकी योजना जो इन्होंने अनाज बांटा है, देखिए उसका जो डाउन टू डाउन क्लास है वो काफी हद तक उसका इंपैक्ट है। साथ ही साथ जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली गांव की है, ग्रामीण जनता है, जो जो खेती बाड़ी करने वाले लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो नाराज है आवारा पशुओं की वजह से और भी तमाम मुद्दों की वजह से, महंगाई की वजह से, डीजल के रेट की वजह से, यूरिया की वजह से, ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिससे लोग नाराज भी हैं। अब वो नाराजगी, क्योंकि ये मुद्दों की नाराजगी है, उसके अलावा जातीय समीकरण विधानसभा में जो उम्मीदवार पार्टियों ने उतारे हैं उनके जातीय समीकरण कितना हावी होंगे, इस पर डिपेंड करता है कि वोट बैंक किधर जाता है। अगर ये अपने समाज का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास लेकर जा पाए तो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वेस्ट में जिस तरह से किसानों ने का गुस्सा उभर के आया है, जिस तरह से उनकी वोट बैंक उनकी जो वोटिंग हुई है उस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई वो इधर पूर्व के जो भी प्रदेश हैं या इस तरह के जितने जिले हैं उन जिलों में कहीं भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर बीजेपी को लगे कि जो 8 सीटें आई तो 8 की 8 उनकी वापस आ रही है। हर जिले में नुकसान उनको हो रहा है, तो वो भरपाई कहीं से हो नहीं पा रही है। जी प्रदीप जी, अपना दल का दो धड़ों में बिखराव होना, यानी कि गैर यादव ओबीसी का बंटवारा जो कि सपा के लिए भी काफी फायदेमंद रहता है, लेकिन इस बार इन दोनों में बंटवारा भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी इस मैदान में मौजूद है, तो सपा पे इसका कितना असर पड़ रहा है? शिखा जी, इस बार की जो स्थितियां हैं आपको मैं स्पष्ट बता दूं जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार के चुनाव में अहम मुद्दा है बेरोजगारी जी, अहम मुद्दा है महंगाई, बहुत बड़ा मुद्दा है तमाम बीएड टीटी धारक तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं जी, बहुत बड़ा एक मुद्दा सांड है जो लड़का सांड भाजपा का, किसान को रात भर ड्यूटी करनी पड़ रही है जी, बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, तमाम प्रदेश में जो विकास की धारा थी वो रोक दी गई है। आज आम जनमानस भाजपा की नीतियों से त्रस्त है, इस नाते अब ये कोई नहीं देख रहा है कि अपना दल के दो धड़े हैं या एक धड़ा है, उधर का जो परंपरागत वोट है वो अपना दल कमेराबादी राजमाता कृष्णा पटेल के साथ है जी, और सिराथू में जो उनकी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी हैं उन्होंने केशव मौर्या जी को हराने का काम किया है, हालत खराब कर दी, केशव मौर्या जी प्रचार नहीं कर पाए। आज पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक बयार जो चल रही है वो बदलाव की बयार है। आज सातवां चरण का चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है, 7 तारीख को वोट पड़ेगा जी। जिस तरीके का लोगों ने मतदान किया है भाजपा के खिलाफ, जिस तरीके से लोगों ने सहयोग किया है भाजपा के खिलाफ, चाहे वो नौजवान हो, कमीराबादी हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, प्रत्येक वर्ग को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, नवंबर तक राशन दे रहे थे, मार्च तक ही क्यों? क्या मार्च के बाद लोग क्या करेंगे? क्या आप सब लोगों को आईएएस बना देंगे या घर में आज मार्च के बाद वो खाना नहीं खाएंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तय किया है कि अब अगर राशन दिया जाएगा तो पूरे 5 वर्ष दिया जाएगा जब तक सरकार चलेगी, और आगे भी देते रहेंगे, उसके साथ घी भी दिया जाएगा, तेल भी दिया जाएगा, दूध भी दिया जाएगा, लोगों को कन्या विद्या धन भी दिया जाएगा। जो जनता में उम्मीद है, लोग जिस आशा भरी नजरों से अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, ना कि कोई नेता। अकेले अखिलेश यादव इस प्रदेश में मीटिंग किए, चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के 20-20 हेलीकॉप्टर चले, एन ऑल अखबारों में 2-2 पेज विज्ञापन डेली अखबारों में आ रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई विज्ञापन नहीं आया है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है,
और जिसके साथ फौज या जनता नहीं होती है वो षड्यंत्र करता है, अस्त्र उठाता है, शस्त्र उठाता है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है, 10 मार्च नजदीक है, गाना बजने वाला है सल चन्यासी मंदिर में और बाबा मठ जाने वाले हैं, रंगाई पुताई का काम होना चालू हो गया है। देशबंधु जी जिस तरह से विकास के मुद्दे उठाते हुए नजर आए, प्रदीप जी कई बातें कही हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे? जिस तरह से कहा गया है कि सिर्फ मार्च तक ही क्यों राशन वितरण किया जा रहा है, आगे क्यों नवंबर तक क्यों नहीं किया जा रहा है, सपा अब 5 साल के लिए पूरा दूध तेल घी के साथ अब राशन बांटेगी, क्या कहेंगे इस पे? शिखा जी, जैसा कि हमारे समाजवादी वाले मित्र ने कहा, पहले मैं उनका जवाब दे दूं जी। कोरोना की विभीषिका में एक एक हमारा कार्यकर्ता जो है धरातल पे उतरा, कमरे में बैठ के ट्विटर नहीं खेला। और रही बात जनता जनार्दन के आशीर्वाद की या अपना दल के दो पहाड़ की, देखिए ये उनका पारिवारिक मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हमारी सहयोगी थी और सहयोगी हैं, और इनके सहयोगी का हश्र आप देखे हैं। 2017 में भी इन्होंने एक महाठगबंधन किया था, उसका क्या हश्र हुआ, और उसके बाद चुनाव का जब परिणाम आया तो इनके सहयोगी एक दूसरे पे कैसे अब शब्दों का प्रयोग किए, या आप मीडिया की अगर रिपोर्टें पुरानी देखेंगी तो आप पता चल जाएगा। फिर दूसरा, दो राजकुमारों का साथ कितना बढ़िया था 2004 से 2014 तक, आपने भी देखा केंद्र में जो सरकार रही वो भ्रष्टाचार के आरोप में ही, आपको मालूम होगा हमारी जनता जनार्दन ने उसको खदेड़ भगाया, और जिसमें इनके समाजवादी पार्टी भी सहयोगी थी। और भ्रष्टाचार के आखंड में जो जैसा चरित्र होता है वैसे उसका चित्रण होता है शिखा जी, भ्रष्टाचार के आरोप में थे, जैसी संगत वैसी रंगत। ये हमें भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं, ये हमें विकास का बात बता रहे हैं। अगर यह काबिल ना होते, या हमारी जनता जनार्दन जो बहुत विद्वान है, उत्तर प्रदेश की जनता देखिए अब समझदार हो गई है, अब ये गुंडागर्दी कुशासन और ये जो अलगाववाद परिवारवाद की राजनीति है ना, अवसरवादिता की राजधानी। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक हमारे साथ रहे, मैं अपने समाजवादी मित्र से कहूँ अगर आप 5 साल तक एक कैबिनेट मंत्री जैसे शीर्षस्थ पद पर अपनी बात नहीं रख सकते तो दूसरी पार्टी में क्या हश्र होगा आपका, वो तो समय बताएगा। आज वो अपना चुनाव हार रहे हैं ये तो सभी जानते हैं, और 2017 और 19 में भी इन्होंने असफल प्रयोग किए जी। तो असफल प्रयोग की ये आखिरी श्रृंखला है, और इस बार भी देखिएगा 10 मार्च को ये जो दो राजकुमार हैं वो भी अपने अपने कैसे आक्षेप लगाएंगे वह पता ही चल जाएगा, और जनता जनार्दन विकास के पथ पर चल चुका है। देखिए सपा बसपा की सरकारों ने 14 वर्ष तक जो जर्जर स्थिति बनाई है इनके सरकारी कार्यकाल में, सारी सरकारी चीनी मिल में जी, हम बात करते हैं जब गन्ना की तो ये बात करते हैं जिन्ना की, हम जब बात करते हैं हिंदुस्तान की तो ये बात करते हैं पाकिस्तान की, ये इमरान खान की बात करते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बच नहीं गया है, और केवल खोखली बातें हैं, खोखले वादे हैं, कहीं धरातल पर ये नज़र नहीं आते हैं। बस हर चुनाव में एक असफल प्रयोग करते हैं, और असफल प्रयोग करने के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा अब 2-4 घड़ी और बचे हैं, सब सामने ही आ जाएगा, साफ हो जाएगा। जब यहाँ पे बात हो रही है अपराधियों की और परिवारवाद की, तो अभिषेक जी जिस तरह से एक तरफ बीजेपी और उनके नेता अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की धमकी देते हैं, तो वहीं अखिलेश जब मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ मंच साझा करते हैं तो वहां पे मंच पर अब्बास अंसारी स्टार बन जाते हैं, और जिस तरह से वो चेतावनी देते हुए लहजे में बात कहते हैं कि अब 6 महीने तक किसी का भी यहां से तबादला नहीं होगा, उनको देखा जाएगा, सबका हिसाब होगा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हर एक्शन का एक रिएक्शन है, ये मैं उसी का एक पार्ट मानता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत होती हैं कि एक फेस होता है कि कौन सा फेस क्या बोले, कोई सी चीज़ें होती हैं मैं बोलूँ उसका कोई फर्क नहीं है, दीक्षित जी बोले साधु साहब कुछ ज़्यादा फर्क हो जाता है, वो चीज़ ज़्यादा नोटिस की जाती है जी। तो कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से भी जवाब दिया जाता है। ये जो अब्बास जी बोल रहे हैं ये कोई उन्होंने शुरुआत इनकी नहीं है, जब आप पब्लिक मीटिंग में जा करके माइक पकड़ के कहेंगे मेरा बुलडोजर इंतजार कर रहा है तो आप क्या इंडिकेशन करना चाहते हैं? तो ये शायद इस एक्शन का ही एक रिएक्शन है। और अब्बास जी के साथ क्या हुआ है, किस तरह उन्होंने 5 साल सरकार में झेला है, उन्होंने क्या क्या देखा है, ये हर कोई जानता है। तो हो सकता है उनकी आंतरिक पीड़ा भी हो जो निकली हो। लेकिन रही बात जहां तक अपराध की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में ये कहा, अपराध को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और 2017 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपराध के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समर्थन दिया, वोट दिया, और इनकी सरकार बन के आई, और इस तरह से नहीं बहुत अच्छी संख्या में आई, 330 सीटों लगभग इनकी आई भारतीय जनता पार्टी की जी। लेकिन फर्क क्या पड़ा,
आज भी तस्वीर वही है, आप जितनी कुछ भी कहें, लेकिन आप कोई एक साल गिना दीजिए कि आपके एक कोई साल हो जहां पर कोई घटना ऐसी न घटी हो जिसने बिल्कुल पूरा पूरे प्रदेश को हिला न दिया हो, जहां मीडिया ने पहुंची हो। आपने तो अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। हाथरस की घटना हर कोई जानता है, उन्नाव की घटना में पीड़िता को आके सचिवालय के सामने जब जो उसने जो है आत्मदाह करने का प्रयास कर लिया और इंटरनेशनल मीडिया तक उसको जब कवर करने लग गया तब जाकर आपने एक्शन लिया और कुलदीप सेंगर को पकड़ा। आप कहते हैं कि हम बहुत इमीडिएट एक्शन लेते हैं, आपने कुलदीप एक्शन पकड़ा, लेकिन कब किस स्टेज पर? उसका पिता वहीं थाने में बैठा लिया गया, वहीं मार दिया गया, तब तक आपको कोई सरे नहीं, कुलदीप सेंगर को कुछ नहीं किया गया आपकी पार्टी में। तो ये जो आरोप अपराधकरण की है, तो ये तो अपराधी आपकी सरकार में भी है। जो डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सवाल ये है कि अखिलेश यादव दिखाते हैं कि हम मुख्तार जैसे अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर द्वारा उनको टिकट दिलवा दिया गया, उनके बेटे को टिकट नहीं, उनके बेटे, अब यही तो भाई बाप अपराधी तो क्या बेटा भी अपराधी हो जाएगा? ये होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर यही बात है तो मुख्तार अंसारी के बाबा तो जो है स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके नाना जी, तो वो क्यों अपराधी हो गए? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाप है तो बेटा भी वही होगा। ये तो डिपेंड करता है कि उसका के जो स्ट्रेटजी मुलायम सिंह लेकर चल रहे थे, जो सरकार जिस मॉडस ऑपरेंडी में चल रहे थे, अखिलेश जी ने 5 साल उस मॉडस ऑपरेंडी में सरकार नहीं चलाई। चीजों के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का अपना अपना आउटलुक है, हर आदमी ये जरूरी नहीं है कि बाप वो था इसलिए बेटा भी वो रहेगा। और देखिए एक चीज आप जान लीजिए, कोई बात कुछ भी करे, अपराध की बात करे, ईमानदारी की बात करे, लेकिन जब वोट टिकट देने की बारी आती है तो हर पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है। आज भी जनता के बीच में वहां पर उस एरिया में उस जगह उस विधानसभा में मुख्तार अंसारी का दबदबा है, मुख्तार अंसारी को वहां की जनता पसंद करती है। वो माफिया है, वो गुंडा है, कुछ भी हो, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वहां की जनता उसको इलेक्ट करती है, उसको वोट देती है। और अपराधी किस पार्टी में नहीं है? आप डेटा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा सांसद जो है अपराधी किस्म के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो अपराध को अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आज की तारीख बना रही है तो ये बहुत हास्यपद है। और जहां तक बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, तो हमने आपने देखा इस पूरी पूरी गवर्नमेंट, आप अखिलेश यादव जी का पूरे बयान देख लीजिए, कहां पर पाकिस्तान की बात की, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने इसी गोंडा के जिले में आपके एक बहुत बड़े नेता ने, बहुत कदावर नेता ने कहा कि सहरा रमजान के सर पर बंधेगा, गोला पाकिस्तान में बंधेगा, तो बात कौन कर रहा है? पोलराइजेशन कौन करने जा रहा है? हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रहा है? जी। तो ये चीजें तो स्पष्ट दिखाई पड़ी। देखिए मुद्दा ये नहीं है इस बार, मुद्दा में जो है एक चीज ये है कि जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं, तो कौन से कैंडिडेट किसको उतारा है। दूसरी एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जो 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 इक्वेशन आ रहा है कि कांग्रेस ने इस बार अपने जो कैंडिडेट दिए हैं वो काफी हद तक अच्छे, बेशक वो जीते या ना जीते लड़ाई में है कि नहीं है, लेकिन वोट परसेंट जो है वो उम्मीद है कि कांग्रेस का बढ़ेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ने जो वोट परसेंट बढ़ेगा तो जो बढ़ा वोट परसेंट है वो कहां से आएगा? वो बीजेपी के खाते से खींचा जा रहा है या समाजवादी पार्टी के खाते से खींचा जाएगा? ये एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ साथ वोट बैंक की जो बात है, तो देखिए हर जगह जगह कोई जानता है कि दो जाति से दो मतलब एक समुदाय और एक जाति ऐसी है जो एक पार्टी के साथ है। साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी के बेसिस पर आप 5 किलो राशन के बदौलत आपका जो जनाधार है वो उस वोट बैंक पर है। वो वोट बैंक कितना आपके पास रहता है इस पर डिपेंड करेगा इस बार का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने पर, कि वो वोट बैंक अगर आपके पास बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगर एससी एसटी ओबीसी के वोट बैंक को रोक पाई तो हो सकता है फिर एक बार ये रिपीट कर जाए, लेकिन अगर वो वोट बैंक ये नहीं रोक पाए तो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई पड़ सकती हैं। और कभी कभी देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी कितना एक्टिव होती है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिन जिन विधानसभाओं में जो जो कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं, ज्यादातर विधानसभाओं में उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर ही डाका डाल रहे हैं या उनके प्रत्याशियों के वोट बैंक या वोटर को ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो कितना एक्टिव हो पाएंगे, कितना बरगला पाएंगे वोटरों को, क्योंकि इस बार जो पोलराइजेशन है वोटर्स का, हर जगह हर कास्ट हर समय एक पोलराइजेशन है, एक धड़ा सपा के साथ है तो एक धड़ा जो है भाजपा के साथ है, उसमें ये कितना सेंध लगा पाएगी बसपा, जितना भी लगाएगी वो एक तरह से खाद का काम कर रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अगर बात करी जाए कांग्रेस और बसपा की, तो कितना असर डाल रही है सातवें चरण में? नहीं देखिए मैंने फिर कहा ना, मैं ये दोनों लोग लड़ाई में तो देखिए है नहीं, इस सातवें चरण में तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ। अभी अवध एक दो सीट चार तीन सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत लड़ रही है सातवें चरण में। कांग्रेस में भी एक ही दो सीट है जहां पर कांग्रेस की कुछ पोजीशन थोड़ी बहुत ठीक है। मैंने फिर कहा ना कि वोट परसेंट कांग्रेस का बढ़ेगा, लेकिन बसपा अपना कितना खींच पाती है, 2017 में जो उसका वोट भाग गया था भारतीय जनता पार्टी में वो कितना खींचती है, प्लस वो जो जातीय समीकरण के हिसाब से और सांप्रदायिक समीकरण जो उसका जो एक संप्रदाय विशेष के लोगों को जिस तरह से उस वोट अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वो संप्रदाय विशेष और प्लस अपना जो बेसिक वोट है जो खींच के ला पा रही बसपा की नहीं, वो उसका कैंडिडेट कितना ले पाता है इस पर डिपेंड करता है। अगर उस वो थोड़ा भी इनका खींच ले गया, अगर 30% भी इनका खिसक गया समाजवादी पार्टी का, तो बेशक समाजवादी पार्टी को इसका इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान भारतीय जनता
समाजवादी पार्टी उठाएगी, लेकिन अगर ओबीसी और एससी एसटी बैंक को भी बसपा ने खींचा तो नुकसान भाजपा का भी होगा। जी प्रदीप जी, इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके लगता है कि जनता के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? आपकी चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली देने की नीति हो या फिर पुरानी पेंशन बहाली की नीति हो, तो सबसे ज्यादा असर कौन सा डाल रहा है खासतौर से इस सातवें चरण में? देखो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अभी आपने अपराधी वाली बात कही थी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में नहीं झांकती है। आपने मुख्तार की बात की, चलो हमने टिकट नहीं दिया, ओम प्रकाश राजू ने उनके बेटे को दे दिया जी। मुख्तार जी पर ऐसी कौन सी धारा है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर नहीं थी, उप मुख्यमंत्री पर नहीं थी जी। उनको वापस करने का मौका मिल गया, उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन खुले मंच से जिस तरह से बयान देते नजर आ रहे अखिलेश भी बगल में खड़े, तो क्या ये बयान देना सही था? शेखा जी मैं कह तो रहा हूँ आपसे, क्या योगी आदित्यनाथ जी पर गंभीर धाराएं नहीं थी जी? क्या केशव मौर्य जी पर गंभीर धाराओं में 38 मुकदमे नहीं थे? क्या वो न्यायालय ने बरी किए? सरकार में बैठे थे, खुद ही मुकदमे, खुद ही दरोगा, खुद ही कोतवाल बन के मुकदमे वापस ले लिए। आपके देश के गृह मंत्री पर किस धारा के मुकदमे नहीं थे? आज वो देश के गृह मंत्री है। माननीय प्रधानमंत्री के समय में गोधरा कांड हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर थे। मेरा यह मुद्दे की अगर आप बात करो, सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवान बेरोजगार है। 5 वर्ष नौजवान अपनी उम्र से पछड़ गया, इस 5 वर्ष में कोई भर्ती नहीं हुई, बैकलॉग नहीं, 11 लाख पद खाली हैं सिकाजी प्रदेश में आज जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं योग्य बच्चे नहीं है हमारे पास, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में योग्यता नहीं है। क्या वो हाई इंटर के बाद, 12th के बाद इंटर करेंगे तब योग्यता आएगी क्या? जितनी योग्यता गृह मंत्री में, देश के गृह मंत्री में है कि वो 12th करके इंटर कराने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी योग्यता तो प्रदेश में नहीं है। इसीलिए चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे पुरानी पेंसिल हो, या नौजवानों को नौकरी हो, या बीएड वाले शिक्षा मित्र हैं, टीडी वाले हैं, इन सबका समायोजन होगा, प्रदेश के नौजवान को सम्मान मिलेगा, किसान को सम्मान मिलेगा, घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी, सभी को पेंशन मिलेगी, और आने वाले समय में 10 मार्च के बाद में प्रदेश विकास के रास्ते पर होगा जी। देशबंधु जी क्या लगता है इस बार क्या कड़ी चुनौतियां सामना कर रही है बीजेपी, क्योंकि इस बार ओपी राजभर नहीं है, पिछली बार उनकी वजह से भी काफी अच्छे वोट मिले थे बीजेपी को, अच्छी खासी सीटें मिली थी, और इस बार जिस तरह से बनारस में डेरा डाला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और नमक वाला बयान भी कहीं ना कहीं सामने आया है, तो आखिर कहीं ना कहीं डगमगाती लग रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए शिखा जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। मैंने सबको ध्यान से सुना, मेरे भाई अभिषेक जी राजनीतिक विश्लेषण ने एक बात कही, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए अंतिम परिणाम आएगा, जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, वही महान होती है, और उसी का ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है जी। तो अभिषेक जी की बात को ही मैं बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए सपा बसपा की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जर्जर स्थिति हुई है, एक बार मूल्यांकन कर लीजिए, चाहे आप रोजी रोटी से ले, या देखिए बेसिक जो मूल आवश्यकता होती है वो रोटी रोटी और कपड़ा होता है, चाहे हर घर नल योजना हो, हमने हर घर नल योजना के हिसाब से उत्तर प्रदेश के हर प्राणी को, उसमें हमने भेदभाव नहीं किया। अभी हमारे अभिषेक जी ने कहा ध्रुवीकरण हम नहीं करते हैं, हर नल घर योजना में मुस्लिम के भी घर नल लगा, और हिंदू के घर भी लगा, सिख के घर भी, ईसाई, दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के इनके शासनकाल में केवल सैफई 51 में बिजली आती थी। न, हमने जब बिजली के कनेक्शन दिए तो ये नहीं सोचा कि हिंदुओं को हो, प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो वो हिंदुओं को भी मिले, मुसलमानों के भी। अब मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी दूध के धुले नहीं है, आप बताइए मंच से ये भाषण देना, अभिषेक जी ने भाषण दिया और कहा कि 6 महीने तक भाषण, ये किस बात की दे रहे थे? यही चाल चरित्र और उत्तर प्रदेश की जनता समझती है, ये विकास की बात करते हैं, कहां विकास इनका दिखता है? इनका विकास तो सैफई में दिखता है, गायत्री प्रजापति के उसमें दिखता है, जैन जी के इत्र में इत्र की खुशबू आज तक दिखती है, अभी इनके आजम खान जो है हिसाब किताब दे ही रहे हैं, इनका विकास तो थाने में दिखता है। देखिए बात अभिषेक ने, अभिषेक जी ने कहा जो कानून है कि हम कोतवाल है, वो कोतवाल बने नहीं, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देके उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री दी, किसी दान दक्षिणा पे नहीं बने। और जो बात कही आपने, अपने विकास की बात करते, अरे आप विकास 2017 और 2019 में भी किए, और 12 से 17 में भी आपकी सरकार थी, आपने इतने विकास किए तो जनता ने आपको मुखबेड़ क्यों दिया? मैं अपने समाजवादी मित्र से कहता हूँ, आप लोगों की क्यों खानी पड़ी भाई, जनता ने आपको क्यों बाहर कर दिया?
मार्च को चल सन्यासी मंदिर में, चिंता ना करिए, 10 मार्च को लंबा समय नहीं बचा है, कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है इस बार। भाजपा के लोगों पे छुपने के लिए जगह नहीं है। जो आपने कहा, इस तरीके आप के लोग बताइए, 2012 से 2017 की सरकार है, आप मीडिया बंधु जानते हैं और ये सर्वविदित है, विधानसभा के सामने 700 से ज्यादा दंगे इनके सरकार में, 365 से ज्यादा, लगभग 400 से ज्यादा बसपा के सरकार, 1000 दंगे, मतलब इनके 15 साल के शासन में 1000 से ज्यादा दंगों को बिटिया की सही और उस पीड़ा को सहने और उस पीड़ा को सहने के बाद जनता जनार्दन ने यह निर्णय लिया कि ये जो महाठग बंधन है, अब उत्तर प्रदेश की जनता अगले 20 सालों में ये उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे और 10 तारीख आने दीजिए, परिणाम ये बता देंगे। जी अभिषेक जी, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको झेलाने प्रदेश की बोली वाली जनता ने पूरा हिसाब करेगी, कई के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के वोटर भी ज्यादा है, तो क्या निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है। देखिए, जातीय समीकरण तो निश्चित रूप से असर डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जब जब वहाँ कैंडिडेट जो पार्टियां उतारती हैं तो विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन में कैंडिडेट को देखकर जातीय समीकरण तो बदलते हैं, स्थानीय समीकरण हर जगह के अलग अलग आते हैं, लेकिन एक जनरल जो वोट बैंक की बात होती है वो जो होता है वो 10-5% मॉब जो है वो इधर से उधर होती है, हर इलेक्शन में होती है, हर बार होती है, वो इधर हो जाती है तो गवर्नमेंट इधर आती है, वो इधर हो जाती है तो गवर्नमेंट इधर आती है। सवाल ये कि 2017 में जिस रिकॉर्ड वोट परसेंट जो इनको मिला था वो तो इस बार कहीं देखता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और न पिछली बार 2017 वाली परिस्थितियां 2022 में दिखाई पड़ रही है। मुद्दे जहां तक बात आप दिखा रहे हैं, तो जो मुद्दे आपने 17 में बनाए थे वो मुद्दे आज की तारीख में कहीं नहीं है, ना उन मुद्दों का भुना पा रहे हैं और ना आप स्ट्रांगली कह पा रहे हैं, क्योंकि जिन बातों पर आप बात करते थे वो बात आप कहीं कह नहीं पाए। आज आप किसी मंच से कहकर ये नहीं कह पाते हैं कि मैंने रोजगार दिया है, ना रोजगार जनता स्वीकार कर रही है, किसी मंच पर जाकर के आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपराध खत्म कर दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश है, कहने को आप कुछ भी कहे लेकिन जनता ने उसको देखा है, आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उनकी सरकार में लोग अपराध करते थे, आपकी सरकार ने पुलिस अधिकारियों तक ने अपराध किया है, आज भी वो पाटीदार जो एसपी साहब जिसके ऊपर जो है रंगदारी मांगने का आरोप था, 306 का उसके ऊपर एलिगेशन है, आज भी वो भगौड़ा है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। हाँ, विकास दुबे को आपने जरूर भूना, उसको जरूर इनकाउंटर कर दिया, मगर वो एसपी आपको नहीं मिल रहा है। आप ही के एक और बड़े कदावर माफिया है जौनपुर साइड के, वो उनके ऊपर एनडब्ल्यू जारी है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। अभी प्रदीप जी ने बताया आपकी अपनी पार्टी में जो मंत्री बने बैठे हैं उनके ऊपर, जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भी अपराधी मुकदमे हैं। तो अपराध कहीं मुद्दा आज की तारीख में नहीं है, महंगाई मुद्दा जरूर है, मिडिल क्लास लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है, महंगाई आप नहीं रोक पाए। आपने मुद्दा 2017 में बनाया है, आपने मुद्दा महंगाई को 2014 में भी बनाया, उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर आप लड़े थे, जिन मुद्दों को बना करके आप सत्ता में आए तो जन भावनाओं आपके साथ गई थी, वो मुद्दे आज की तारीख में आपके पास नहीं है, ना आप गिना पाते हैं। कई राष्ट्रीय नेता आपकी पार्टी के आए विधानसभा के इलेक्शन में, जो है पार्टी मीटिंग किया, अमित शाह जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी भी जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, किसी मीटिंग में मैंने नहीं सुना कि इस बार भी उन्होंने कहा हो कि हाँ महंगाई के बारे में कोई बात की हो, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आते थे तो वो कहते थे कि जब सरकार निकम्मी और भ्रष्टाचारी होती है तब महंगाई बढ़ती है। जी। आज महंगाई क्यों बढ़ रही है भाई, पेट्रोल तो तब भी अब उससे ज्यादा बढ़ गया 2014 ज्यादा, दो और 10 साल के बाद और बढ़ने की उम्मीद है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। डॉलर के बारे में आप कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र पार कर जाएगा, आज उससे ज्यादा है, आपकी उम्र पार कर गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं पार कर पाया था, 74 के आसपास आज की तारीख में डॉलर की कीमत रुपए में, रुपया है एक डॉलर की कीमत रुपए में 74 रुपए। तो ये सारे मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं, अब मुद्दा है अपराध मुद्दा जरूर है, जातीय समीकरण मुद्दा है, और इस बार एक 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 एलिगेशन सरकार के ऊपर लगता था कि एक जात विशेष को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, वो चीजें दिखाई पड़ेंगी। मैं फिर वही बात कहता हूं कि फिर घूम करके जो आपके 5 किलो अनाज की योजना है वो कितना कारगर हो पाती है, क्योंकि अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि हम भी बांटेंगे, हम तो देसी घी भी देंगे, हम तो तेल भी देंगे, अब उसको कितना इन कैश जनता उस चीज को समझती है, क्योंकि आपने तो स्पष्ट रूप से पहले से ही कह रखा कि हम मार्च तक केवल देंगे, तो जनता तो समझ रही है कि मार्च के बाद अब नहीं मिलना है, इलेक्शन खत्म, अनाज खत्म। जी। एक पार्टी कह रही है कि नहीं हम देते रहेंगे, तो जो डाउन ट्रोडन क्लास है, और वो खास तौर से वो मतलब है तो वैसे हर जात के लोग डाउन ट्रोडन क्लास में है आज की तारीख में, लेकिन बहुतायत संख्या जब डाउन ट्रोडन क्लास में आप देखेंगे तो वो एससी एसटी ओबीसी कास्ट के लोगों की ज्यादा है जो डाउन ट्रोडन क्लास में आते हैं, तो वो
बसपा में रहेंगे या फिर भाजपा में ही रुक जाएंगे क्योंकि अनाज खाए हैं आपका, या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे कि अनाज आगे हमको फिर मिलना है, और भी महंगाई जैसे मुद्दे हैं, तमाम रोजगार की मुद्दे की बात है, उस पर यंगस्टर्स जो हैं इस देश में, वह चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, यंगस्टरों के सामने रोजगार एक मुद्दा है, और बेशक जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का यह बयान है कि हमारे प्रदेश में इतने योग्य रोजगार वाले योग्य लोग ही नहीं मिले, उम्मीदवार ही नहीं मिले, इसका इफेक्ट यंगस्टर्स में है, यंग लोग नाराज है इस बात से, वो कितना वोट में तब्दील होता है वो बात है, क्योंकि जब वोट डालने आदमी जाता है तो कई सारे फैक्टर आते हैं, उस समय मेन मुद्दे गायब हो जाते हैं, वो जातीय समीकरण, लोगों के लोकल समीकरण, लोगों का अपना प्रेशर, रिश्तेदारियां, बहुत सी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये उस समय की बात है, लेकिन वोट प्रतिशत में फर्क पड़ना है, वो वोट प्रतिशत बीजेपी का कम होगा, कहां जाएगा इस पर डिपेंड करता है कि कहां है। जी प्रदीप जी, मौजूदा वक्त की सरकार ने ऐसे कौन कौन सी कमियां देखने को मिली हैं जिसको सपा दावा कर रही है कि हम ठीक कर देंगे, कमियों को दूर करेंगे, और इन कमियों को दूर करने के जो दावे वादे किए जा रहे सपा के द्वारा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोट कर रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं? शिखा जी, पहली कमी इस प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान फॉर्म भर देता था, पूरे साल भर तैयारी करता था, दौड़ लगाता था, लेकिन जब पेपर देने जाता था तो पर्चा लीक हो जाता था। अरे समाजवादी मित्र, ऐसी आप क्या कोई भर्ती की नहीं बात बची करते हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं बची जिसको लीक ना किया गया हो, क्योंकि मंशा ठीक नहीं थी। क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लॉजिकली बात देना नहीं चाहती थी, आउटसोर्सिंग से भर्ती करना चाहती थी, निकलती थी तो दोनों यादव परिवार चाचा भतीजे नोटों की गड्डियां बटोरने बोरा लेके निकल पड़ते, तुम्हारा चल गया सत्रह में, अब नहीं चलेगा देश बंधु जी, आपका विकास कहां कहां फैला है हम जानते हैं, एक बार चल गया बार बार जनता को नजर आया। और रही बात रोटी रोटी आवास की बात, हमने सब विकास किया है, 2014 में भी 73 सीटें अक्षय जी के बाद को मैं बताऊंगा, मुझे भी एक समय दिल्ली से 2014 में 73 सीटें लोकसभा में जीत गए, 17 में 325 सीटें इन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा, उससे ज्यादा भारी में शिखा जी आप भी कहेंगे तो उसमें सभी वर्गों का है, ये मंच विकास के नाम पर वोट मांगिए ना, रोजगार के नाम पर वोट मांगिए, एसटी ओबीसी सामान्य सभी वर्गों के वोट दिया, 2019 में भी हम 62 सीट लेके आए लोकसभा में, पूरा हमने धिक्कार चुकी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दोबारा सरकार बनाई, 2022 भी आने से मार्च को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, देखिए जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से लाइन लगाए पार्टी कार्यालय के बाहर, पद पर चलते हैं, रंगाई पुताई चालू हो गई है, मुख्य सरकार की बात करते हैं, अधिकारी मार बैठे, सरकार आ रही है, तमाम अधिकारी हमको फोन कर रहे हैं और आखिरी बधाई दे रहे हैं, अभी से जितने भी आदमी सबके साथ अपराध खत्म हो गया, 22 में यूपी 24 में देश, हमारी ही सरकार का खेला खत्म हो गया है, मंत्री का बेटा जेल में आया, इनकी सरकार में कोई गया बच्चा नहीं है, इनकी सरकार में कोई नहीं गया, इन्होंने खुले की बात की, मंत्री है आपकी सरकार में, दंगाई विधायक बना, जो लोग दंगा देश बंधु जी, आप ये नहीं कह सकते की है, इनके यहाँ जो जौनपुर में एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है जिसमें 25,000 का इनाम है, और ये कहते हैं अपराध खत्म कर दिया, अरे अपराध खत्म नहीं किया आपने, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, कहां है मणिदार पाटीदार, आप अपने पुलिस के अफसर को नहीं पकड़ पाए, जितने व्यापारी की हत्या कर दी, आपने कभी क्षमा मांगी, कानून की बात करेंगे आपके तो माननीय, आप कानून की बात करेंगे, अरे जनता है मानवर, गली गली पर्चे बंटवा दिए तुम्हारे गृह मंत्री परिवार से, सामाजिक टिप्पणियां हो जाती है, और कैराना में पलायन की बात करते हैं, और आपकी प्रत्याशी कहती है कोई पलायन नहीं हुआ, वो तो पता ही चल रहा है, लड़कों से कैराना में तुम पलायन की बात करते हो, गली गली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़े बड़े झूठे नेताओं को गली का नेता बना दिया, बाढ़ का नेता बना दिया, ये ताकत है अखिलेश यादव जी की जनता की, सबका सब हो जाएगा, मैं इसी चैनल पर फिर आप नेता गली गली पर्चे बांटते हैं भाई, कौन ध्रुवीकरण करता है, अकेले अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कब्रिस्तान के जो दूरसंचार मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर सबको लाइन में लगा दिया, सब साइकिल की रफ्तार नहीं पकड़ पाए, अकेली साइकिल ने आपके हेलीकॉप्टरों को हरा दिया, वैक्सीन को बताते हैं जी, आपके जहाजों को हरा दिया, साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है, प्रदीप जी रफ्तार साइकिल ने पकड़ी है ना, आदमी स्वस्थ रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, और पेट्रोल भी नहीं जलेगा, और उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों की वैक्सीन को आप बताते हैं भाजपा की, अभी साइकिल साइकिल अभी आप भी देशबंधु जी साइकिल ले लीजिए, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है,
नहीं, वो जरा से कोरोना की बात दिखी थी बार बार लेकर के आ रहे आप 20 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में घूमे, जबकि पेपर में दो विज्ञापन के फूल पे जाते थे आपके, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं पकड़ पाए। साइकिल इतनी तेज दौड़ रही है, अरे प्रदीप साइकिल फर्राटे भर रही है इस समय। प्रदीप जी आप देश बंधु जी आप भी एक साइकिल ले लीजिए, स्वस्थ रहेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होने जा रहा है। भाजपा की जो खीस है, भाजपा हार की खीस को जनता को पेट्रोल डीजल महंगा करके निकालेगी। प्रदीप जी शांत हो जाइए, दूसरे को भी मौका दे दीजिए, दूसरे को भी मौका दे दीजिए। प्रदीप नहीं, नहीं, नहीं इनको मौका ही तो नहीं देना है, एक बार 17 में दे दिया जनता ने, इनको कोई मौका नहीं देना है। प्रदीप जी आपकी बात कह रहा हूं, मौका दे दिया तो देश बर्बाद कर देंगे, सब बेच देंगे। प्रदीप जी आपकी बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश बेच देंगे अगर मौका दे दिया इनको। जनता ने इनसे मौका छीन लिया है। अभिषेक जी बात सुन तो लीजिए, कोरोना काल में देखिए पहले फेज में भी जिस तरह से सरकार, ठीक है कुछ चीजों पर हम ये बात सही है कि ये एक महामारी थी जो अप्रत्याशित थी, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जी। जब आप पूरे ओवरऑल परिस्थितियों को कंसीडर करेंगे, जैसे कि विदेशों में ये पहले आया जी। आपके यहाँ बहुत बाद में आया, पहले बार में ही जो है राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कोरोना के बारे में, चेतावनी दी थी जनवरी में ही, आपने उसको हंसे में उड़ा लिया। यहां तक कह डाला आपके स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि जाकर के इटली में रहे, यहां उनको जो है कोरोना हो जाएगा अगर वो यहां रहेंगे तो, इटली चले जाएं। अभिषेक जी एक बयान और सामने आया था कि कोरोना की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई, तो जितनी मौतें हुई उसके बारे में क्या? मैं उसी पर आ रहा हूं कि देखिए वो जो पॉलिसीज थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जमीनी हकीकत पॉलिसी बनाने में समस्या हुई है, उस चीज में दुर्दशा की या कमी रही, या उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, अदर चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिस वजह से ये छीछा लेदर हुई। और उससे देखिए कोरोना में कोई सफलता नहीं पाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के द्वितीय फेज में जब कोरोना का जो फेज आया उसमें जिस तरह से आपने कहा ये गवर्नमेंट जियो नहीं था क्या कि जब तक सीएमओ का फोन नहीं जाएगा इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं लेंगे। नतीजा क्या निकला, पूरे प्रदेश में लोगों के पास पैसा होते हुए भी अस्पताल के सामने लोग मर गए, क्योंकि सीएमओ ने फोन नहीं उठाया और सीएमओ ने परमिशन नहीं दी कि हाँ ये अस्पताल जाकर के इनको एडमिट कर लिया, इनका इलाज कीजिए। ये 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 कोरोना काल का फेज था। ऑक्सीजन की क्या पोजीशन थी, ये जियो किसने दिया था? एक तरफ तो आप कहते हैं होम आइसोलेशन में रह जाता था लोग, दूसरी तरफ आपने कहा कि जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक जो है आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देंगे। कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से मर गए। हाँ, ये विपक्ष इस बार के इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि ये उम्मीद थी कि ये मुद्दा बनेगा। विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मामले में फेल रहा है कि इसको जनता के बीच में उस तरह से वो मुद्दा बनाकर नहीं ले पाए, वरना इनकी रणनीति कोरोना काल में क्या आपने अच्छा किया बताइए? आपने कोई टैक्सेस में कमी की हो, किसी इंडस्ट्रीज को कमी की हो, कोई तरह का कोई रिलीफ आपने अपनी ओर से दिया हो कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कम कर देंगे, लोगों की इस बात आमदनी नहीं है, कहीं कोई टैक्सेस में कोई रिलीफ दे दी हो? कोई किसी तरह की रिलीफ गवर्नमेंट ने अपनी ओर से नहीं दी, उल्टा आपने टैक्सेस बढ़ाए जम करके। आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्रोवाइड, आप कहते हैं ना कि काला बाजारी रोकेंगे, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 2200 रुपए थी वो 1-1 लाख रुपए तक बिका है, ये आदमी लोग जानते हैं जी। शमशान घाट में किस तरह से लाशें जल रही थी, उसको जब आप लोगों ने मीडिया वालों ने उसका जब उसकी न्यूज बनाई तो आपने उसको कंसीडर करने के बजाय कि वहां लकड़ियां पहुंचाई जाए और ज्यादा मात्रा में जगह उपलब्ध कराई जाए, लोगों की लाशें ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल हो सके उसके लिए स्टाफ बढ़ाया जाए, इसके बजाय उसको कवर करा दिया कि मीडिया वाले को उसकी फोटो न बना पाए। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठ पाया देशबंधु जी आपसे, कोरोना काल में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको आप रिपीट कर पाए। देशबंधु जी आपसे जवाब चाहेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, और जिस तरह से हर चुनावी रैली में जनसभा में ये मुद्दा उठाया गया कि हर किसी को वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन मिली है या नहीं मिली है। वैक्सीन के बारे में एक चीज मैं अभी बात खत्म कर दूंगा। जहां तक बात आप वैक्सीन की कहते हैं तो पहली चीज इस देश में कुछ भी आप अपनी जेब से नहीं देते, वो जो वैक्सीन है नहीं डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट है, वो जो वैक्सीन है वो भी सरकार के पैसे की है जो इस देश का हर एक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर के रूप में आपको देता है वो पैसा। और वैक्सीन पहले भी चेचक की वैक्सीन भी कांग्रेस के रिजिम में पहले भी बहुत सारी जो है वैक्सीन लगाई, बहुत लोगों के कंधे पर आज भी यहाँ पर निशान बने हुए हैं, वो जो वैक्सीन लगी कितना पैसा दिया गया था वो भी सरकार ने दी थी, कोई आपने पहली बार नहीं दिया है जी। देशबंधु जी जवाब चाहेंगे आपसे। नहीं ऐसा कि आप देखिए एग्रेसिव होने से नहीं, नहीं एग्रेसिव नहीं बात होती है, आपने कहा अच्छा ये बताइए जो आपने वैक्सीन की बात बताई है वैश्विक माह प्रथम चरण में जब आप एक माह का जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था हम अपने 125 करोड़ की यही हमारे राहुल गांधी प्रश्न पूछते थे, यक्ष प्रश्न पूछते थे। आप बताइए 55 साल का वक्त कम नहीं होता है। रायबरेली आप कभी गए होंगे, आप तो मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मेरे साथी भी हैं, रायबरेली में कितना विकास किया आज मुखी खानी पड़े। और आप भी जानते हैं राहुल की कांग्रेस की आप कांग्रेस की नाकामियों को हम इसलिए माफ कर देंगे, राहुल
गांधी भी नहीं कर पाए थे। अभिषेक ये किस तरह का जवाब है? आप हमेशा विपक्ष को मत कीजिए। अभिषेक 55 साल में वो नहीं कर पाए, इसलिए आपको ये इतना मैंडेट, इतना हाई मैंडेट दिया गया था। नहीं, मेरी बात भाजपा को, मेरी बात समझ, आप ये मत कहिए कि वो नहीं कर पाए, आप बताइए कि आप क्यों नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए ये बात, और आपको बता दें हमारे प्रधानमंत्री की कर्मठता और जीवटता का प्रमाण था कि हम 125 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा कर सके। आप बताइए, आप बताइए पश्चिम में व्यवस्था करते हैं 125 करोड़ की रक्षा के लिए कितने लोग मर गए, आप मानने को तैयार नहीं है? इनके कार्यकाल में जबरदस्ती बात सुना कीजिए ना, आप लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूँ, लेकिन आप हवा हवाई बातें मत कीजिए। एक चीज बता दे, जबरदस्ती के आंकड़े मत बताइए, आकाश तक इन्होंने बेच दिया। आप उस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, हम कहां तारीफ कर रहे हैं? हमने कौन सी पार्टी की तारीफ की? पार्टी का चीज हो गई, हम तो आपकी काम नाकामियों का मुद्दा बता रहे हैं। बता दो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, कर दीजिए हम बेशक कर दीजिए, आपने कर दीजिए। आज रोजीकरण में सबसे ज्यादा बीजेपी में हुआ है। आज की डेट में बता दूं कि कम से कम 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा पाए, और पोलियो की बात करते हैं, इनके वैक्सीनेशन और निशान की आप बात करते हैं, आज भी पोलियो के केसेस आते हैं। अगर कोरोना रुक गया, यही वैक्सीन लगने से कोरोना खत्म हो गया? नहीं, आज भी 10,000 और 5,000 निकल रहे हैं आज की तारीख में, आज की तारीख में 5,000 को रोज ये जो बीमारी, ये कैसी बात कर रहे हैं? विश्व की बात करते हैं। अगर कोरोना नहीं, अगर पोलियो नहीं रुका, अगर कोरोना रुक गया, 55 साल में आप वैक्सीनेशन नहीं पूरा कर पाए, और आप हमसे 33 महीनों का हिसाब बनाते हैं, और 33 महीने में भी 175 करोड़ ये रिप्लाई है, आप बता कर रहे हैं कि आप कांग्रेस बहुत अच्छी है। हम कहां कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है? किसने कहा कांग्रेस अच्छी है? कौन सा अच्छा काम किया भाई? कब कहा कांग्रेस अच्छी है? लेके आकाश तक सब बेच डाला, और आज उससे कांग्रेस ने आपने वो रेलवे जो आपने बेची वो किसने बनवाई? सबसे ज्यादा निजी कारण रेलवे जो आपने बेची थी किसने बनाई? एचएएल जो आपने बेचा किसने बनाया? एरोनॉटिक्स आज एयरलाइंस जो आप बेच रहे हैं किसने बनाई है? टेलीफोन बीएसएनएल जो आपने बेचा है वो किसने बनाई है? इस देश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी एक सुई तक इस देश के अंदर नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज तक इस देश आप दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। किसने बेचा उसको? विपक्ष का भी कुछ कहना है। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे हैं? बार बार ये जो कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन हमने मुफ्त में दी जी, इस देश में इससे पहले भी तमाम महामारी आ चुकी हैं, चाहे वो प्लग हो, चाहे चेचक हो, चाहे मलेरिया हो या पोलियो हो, आज तक इस देश में किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया जी। सारी वैक्सीनेशन देश ने मुफ्त की है, और भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से नहीं कर रही है। क्या किया ये बताइए? ये हमारे टैक्स का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, हमारे देश के वैज्ञानिकों का है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो अपने आर्थिक हाईटेक कार्यालय बनाए, दूर करने के उपाय किए, भारतीय जनता पार्टी जी, बीजेपी से देशबंधु दीक्षित जी और प्रदीप चौधरी जी सपा से जुड़े थे। कई मुद्दे हैं, यहां तक कि वैक्सीन के मुद्दे को भी भुनाया जा रहा है, जो कि हर एक नागरिक का अधिकार भी था, और साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव से गायब भी रहे हैं। जातिगत समीकरण भी देखने को मिल रहा है, हर एक प्रत्याशी को इसी के आधार पर उतारा गया है कि किस क्षेत्र में कौन से मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस बार का चुनाव हो रहा है। अंतिम जो चुनाव है, सातवें चरण का निर्णायक चुनाव है, और 7 तारीख को कई मतदाताओं की किस्मत का फैसला होगा। तब तक के लिए हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।